सागर जिले की देवरी विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने जनता दरबार में समस्याएं सुनी। क्षेत्रीय विधायक पैती योग शुक्रवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का करते हैं निराकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए गए हैं, उन्हें चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने देवरी कचहरी परिसर में 16 जुलाई शुक्रवार को जनता दरबार लगाकर नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के संपन्न लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें विधायक हर्ष यादव ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर संपन्न लोगों द्वारा ग्रामीणों अंचलों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उन स्थानों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों की समस्याओं को लेकर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आम जनता की छोटी मोटी समस्याएं जैसे नामांतरण, पेयजल समस्या, राशन पर्ची जैसी ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्रामीण कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। इस संबंध में अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जनता दरबार में ग्रामीण क्षेत्रों से संपन्न लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, नामांतरण, राशन पर्चियां बनवाने को लेकर सहकारिता, पुलिस विभाग आदि से संबंधित अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साथ ही जनता दरबार में आए भजन मंडलियों को भजन सामग्रियां प्रदान की। जनता दरबार में लगभग 48 आवेदन प्राप्त हुए। कुछ आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया, कुछ समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इसमें नहीं पढ़ रहे हैं कि कितने लोगों को क्या दे पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रथम नागरिक हैं विधानसभा क्षेत्र के, वो जनता की सुख सुविधाओं के ख्याल रखना हमारा निश्चित शुभ दायित्व है। वो जो सरकारी व्यवस्था में छोटे मोटे अड़ंगे की वजह से शासकीय कार्य नहीं हो पाते हैं, हमारा प्रयास है, चाहे वो नामांतरण बटवारे की बात हो, चाहे वो आपके पेयजल की समस्या की बात हो, चाहे गरीबी रेखा में नाम लेने की बात हो, चाहे खाद्यान्न पर्ची करने की बात हो, हमारा प्रयास है कि छोटे मोटे काम जो है जनता के तरफ निराकरण हो। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था देखने को मिल रही लंबे समय से कि आम आदमी चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहर का हो, आपसों के चक्कर काट काट के परेशान हो चुका है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी समस्याओं का तुरंत निराकरण। ये बड़ा कठिन विषय है निश्चित रूप से। आज ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, चाहे चरणों की भूमि हो, चाहे गौठान की जगह हो, चाहे वो शमशान की जगह हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सरकारी जगह पर अतिक्रमण अधिकारियों ने अतिक्रमण नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मात्र गरीब लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया, तहसीलदार लोगों ने, वजनदार लोगों ने, संपन्न लोगों ने सरकारी जगहों पर अतिक्रमण किया। और निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार की होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की बनती है कि तुरंत कार्रवाई करें, जिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए वह दुर्भाग्य की बात है, अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नहीं होती। देवरी से लाल साहब लोधी की रिपोर्ट।